लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया, उसमें एक यंग व्यक्ति को ये कहा गया कि साहब आप अपना बैंक डिटेल्स, जो अकाउंट नंबर है, उसका आईडी पासवर्ड, नेट बैंकिंग का क्या है, ओटीपी शेयर कर देना 2 दिन के लिए और हर दिन तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। तो 2 दिन का 2 लाख रुपया हो गया, 3 दिन यदि रखेंगे तो 3 लाख दे देंगे। उनको लगा कि क्विक मनी आ जाएगा, 1 दिन में 1 लाख अच्छा रकम है, कोई खराब नहीं है। उस 2 दिन में 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, लगभग 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद बोला कि जी ठीक है, आप आईडी पासवर्ड दे दो और मेरा 2 लाख 2 दिन का बनता है वो दे दो। जो व्यक्ति यूज किया उनके अकाउंट को, वो पैसे देने से मना कर दिया और उसके बाद ये बंदा कुछ नहीं कर पाया। अब कुछ महीने बाद इनको देश के अलग अलग पुलिस स्टेशन से नोटिस मिल रहा है कि आपने फ्रॉड किया, साइबर फ्रॉड किया, बैंक से फ्रॉड किया, पैसे इधर लिए उधर लिए, इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, अब अलग अलग पुलिस स्टेशन से, देश के अलग अलग कोने से इनको नोटिस आ रहा है कि हाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। परेशान हो गया है, लोभ ही पाप का कारण है, ध्यान रखिएगा। ऐसे केसेस में आप फंस जाते हैं, उसके बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, इतने सारे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है आपके अगेंस्ट केस, क्या करोगे? नाम आपका है, अकाउंट आपका है, जो किया उसका पता नहीं, ना पैसा दिया ना कुछ हुआ। लोभ नहीं करना है, और फंस गए तो वकील से सब कुछ सही सही बताना है। इनको जब हम बुलाया कि साहब ऐसा 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 बात है, आधी बातें बता रहे थे। ऐसे केसेस हम हर दिन करते हैं, मैंने उनको थोड़ा टाइट होकर बोला भाई सही सही बताओ, नहीं तो बहुत जिंदगी खराब होगी, तब जाकर के फिर सही बात बताया। ध्यान रखिएगा, ऐसे केस से बच के रहना है, और यदि फंस जाए गलती से, विदाउट डिले अपने नज़दीकी वकील के पास जाइए, लीगल प्रैक्टिसनर के पास जाइए और सब कुछ सही सही बता दो, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा।